हाँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि D29 किधर पड़ेगा? आपको ये कट दिख रहा है? हाँ। यहाँ से ना आप राइट ले लेना। ओके, थैंक यू। अगर आप माइंड ना करो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको D29 में क्या काम है? वो एक्चुअली मुझे ना फ्लैट चाहिए था। तान्या मिश्रा? हाँ। वो फ्लैट मेरा ही है। ओह अच्छा, मेरी ना एक्चुअली सूरज जी से बात हुई थी तो उन्होंने ही बताया उस फ्लैट के बारे में। तो एक काम करिए, आप ही चल के मुझे दिखा दीजिए, वो क्या ना मुझे आज ही शिफ्ट करना है। यार आप ना एक काम करो कि ये है फ्लैट की चाबी, आप ही फ्लैट की चाबी रखो, आप शिफ्ट कर लो, ठीक है? और जो भी फॉर्मेलिटी हम शाम को पूरी करते हैं, क्योंकि मेरे को ना कहीं जाना है, मैं उसके लिए लेट हो रहा हूँ। लेकिन आपकी सूरज जी से बात हो गई है? हाँ। हाँ, तो एक काम करिए, जब सारी बात हो चुकी है तो आप अपना शिफ्ट कर लो, उसके बाद जो भी फॉर्मेलिटी होगी मैं आकर पूरी करता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, जब अंकल जी से बात हो रखी है ना तो सारी फॉर्मेलिटी हम शाम को पूरी करते हैं, क्योंकि अभी ना मुझे कहीं जाना है तो मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। ओके। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है। तो आपने शिफ्ट कर ही लिया? हाँ। वेट, ये आपका रेंट और 2 महीने का एडवांस। ओके, आप मुझे एक आईडी दे दो। आईडी? आप एक काम करो, आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ। नहीं, मुझे एक हार्ड कॉपी चाहिए। हार्ड कॉपी तो नहीं है, मैं ऑनलाइन कर देती हूँ ना, क्या दिक्कत है? नहीं, आपके पास यहाँ नहीं होगी, घर पे होगी, आप घर से मंगा लो। घर? तान्या, तान्या। हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लाओ मैं नंबर सेव कर देता हूँ। हाँ। ये ले। भेज दी मैंने। ओके। तान्या, एक बात पूछूं, क्या तुम मैरिड हो? नहीं। तो तुम यहाँ पर अकेले रहोगी? हाँ, अकेली रहूंगी, क्योंकि मेरे अपनों ने मुझे अकेले कर दिया। चलो, आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे फोन कर देना, मतलब यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एकदम अच्छे से रहो यहाँ पर। ओके? ओके। और अपना ध्यान रखना। अच्छा अंकल, थैंक यू सो मच। ओके। हाय तान्या। हाय। ये लो डॉक्यूमेंट्स। थैंक यू। वैसे अंकल कितने अच्छे हैं ना, उन्होंने मेरे लिए जॉब भी अरेंज कर दी। वैसे तुम ऐसे जॉब कर लोगी? कर लोगी मतलब? नहीं मतलब, जहाँ आपको आराम करना चाहिए वहाँ आप जॉब करोगी? अब घर बैठूंगी तो कैसे काम चलेगा? फिर भी। कोई बात नहीं, कुछ टाइम की बात है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ताने, तुम एक काम करो, तुम ये जॉब मत करो। क्यों? तुम एक काम करो, तुम ना मुझे एक PDF बना के सारी डिटेल्स दे दो, मैं तुम्हारे लिए वर्क फ्रॉम होम की बात कर लेता हूँ। अरे नहीं नहीं वरुण, मैं कर लूंगी, डोंट वरी। तान्या, मेरा खुद का दोस्त एक अच्छी खासी कंपनी में मैनेजर है। ओके, थैंक यू। और ये बार बार ना थैंक्स मत बोला करो। तान्या, मुझे एक बात पूछनी है। आई थिंक, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम अकेली हो। हाँ, मेरे पास सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं है। यानी कि तुम्हारी फैमिली है? हाँ सब है, लेकिन एक शख्स ऐसा था मेरी जिंदगी में जिसने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। अब क्या करे सुमित, घर पे भी सबको पता चल जाएगा अब तो। तान्या देख, जो होना था वो हो गया, लेकिन ये बच्चा हमारा है, हम इसे इस दुनिया में जरूर लाएंगे। लेकिन? लेकिन कुछ नहीं, तू एक काम कर, तू मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं पहले जाके अपने घर से बात करता हूँ, फिर तेरे घर आता हूँ।
देखो सुमित, जो भी करना ना प्लीज जल्दी करना। हाँ मैं करता हूँ, लेकिन तू तब तक ये बात किसी को बताइयो मत, अपने घर वालों को भी। ठीक है। मैं उसकी बातों में आ गई और अपने घर पे कुछ भी नहीं बताया। मैंने सोचा कि वो आएगा और सब ठीक हो जाएगा। तो क्या वो आया? हाँ आया, लेकिन लेकिन क्या? कहाँ था तू? एक महीने से मिला तक नहीं है। यार मैंने तेरे लिए अपने घर में बात करी और फिर, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। क्या? देख सुमित। देख तान्या, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझे अपना बना के रहूंगा। देख सुमित, जो भी करना है ना प्लीज जल्दी कर, और प्लीज कुछ ऐसा वैसा मत कर देना जिससे मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए और मैं अकेले रह जाऊं। हमेशा मैं तेरे साथ रहूंगा। 4 महीने हो गए थे, सुमित का कोई अता पता नहीं था। उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करी, आईडीज हटा दी, यहाँ तक कि उसने अपना घर भी चेंज कर दिया। तो तान्या, इन 4 महीने में तुम्हारे घर वालों को कुछ ना कुछ तो पता लगा होगा। हाँ मैंने खुद ही बताया उन्हें। उसके बाद उन्होंने बोला कि अबॉर्शन करा दो, लेकिन मैं नहीं मानी क्योंकि मैं इस बच्चे को मारना नहीं चाहती थी। तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है फिर इस घर से निकल जाओ। तो तुम जब वहां से आ रही थी तो तुम्हें किसी ने नहीं रोका? इतने अच्छे काम ही कहाँ किए थे कि कोई मुझे रोकेगा। बेटी से प्यार था, पर उनकी इज्जत की भी तो बात थी, इसीलिए मैं इसे लेकर वहां से चुपचाप आ गई। तो तुम्हें कोई कांटेक्ट नहीं करता? माँ और भाई कहाँ पे हैं कुछ अता पता नहीं है, नंबर भी नहीं लगता है। कोई ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बस इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। ये बच्चा जरूर आएगा, और तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा दोस्त बोल रहा है। थैंक्स। और हाँ, ये ना बात बात पे थैंक्स मत बोला कर। बाय बाय। पता नहीं यार, समझ नहीं आता आज के टाइम में लोगों को हो क्या गया। लोग प्यार की कदर ही नहीं करते हैं। जिसे मिलता है वो ऐसे छोड़ देता है, जिसे नहीं मिलता वो पागल हो जाता है। कोई कैसे कर सकता है ऐसे? हे हाय तान्या, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वैसे इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ सॉरी, मतलब पार्क में आई हो तो वॉक ही कर रही होगी ना। मैं भी कैसे सवाल पूछ रहा हूँ। वैसे ना दोस्तों को सॉरी भी नहीं कहते हैं। ओके। अच्छा तुम्हारा और कोई दोस्त है? हाँ है ना, तुम हो ना मेरी दोस्त। अरे बाबा मेरे अलावा? मेरे हैं दोस्त, वो क्या है ना कि वो ना बाहर गए हैं पैसा कमाने के लिए। ओके। हाँ वैसे मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। ये तो मैंने पूछा ही नहीं। नहीं यार, मैंने सोचा ना कि मैं बता दूं, अब हम दोस्त हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त को कुछ बातें ना पता हो। अच्छा ओके, वैसे गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? यार मैंने जिसे चाहा वो किसी और की हो गई, उसके बाद मैंने कहीं ट्राई नहीं किया, और वैसे भी एक ना एक दिन तो शादी हो ही जानी है। हाँ वैसे तान्या, तुम्हें अपने नाम का मतलब पता है? नहीं। मैं अपने नाम का मतलब नहीं पता? नहीं। तान्या का मतलब होता है परियों की राजकुमार। क्या? तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, मगर जो भी है।
लगता है तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। तेरी छोटी छोटी बात, तेरी हर एक मुलाकात तड़पाए मुझको, लम्हा लम्हा तेरा साथ, लम्हा लम्हा तेरा साथ। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता वरुण। तुमने दोस्त होकर जो मेरे लिए किया है ना, उसके लिए दिल से। वेट 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 प्लीज यार, अभी ये थैंक्स मत बोलना। अच्छा ठीक है, ये लो तुम्हारा रेंट। नहीं चाहिए। अरे पर क्यों? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि बाद में कर लेंगे ना, हिसाब है करते रहेंगे। अच्छा मैं आपको एक सरप्राइज दूं। सरप्राइज क्या? यहाँ क्या नहीं बोलते, यहाँ बोलते हैं हाँ। ओके हाँ। वेट बात करो। पर कौन है? बात करो ना। अरे लेकिन बात करो। तानिया बेटा। मम्मी आप? बेटा हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। मम्मी आप ठीक तो हो ना? एक काम कर, जल्दी घर आ जा। मम्मी तू वहीं रुक, कल तक तेरा भाई आ रहा है, तू उसके साथ घर आ जा। ठीक है मम्मी, आप भाई को जल्दी भेज दीजिए। ये सब कैसे हुआ? कैसा लगा सरप्राइज? वेट वरुण, ये सब तुमने किया है ना? हाँ यार, तुम्हारे भाई और मम्मी को ढूंढने में कसम से जो मेहनत लगी है ना, लेकिन फाइनली वो मिल गए थे मुझे। मैंने उनसे तुम्हारे बारे में बात की, उन्हें समझाया और वो मान गए। थैंक यू वरुण, थैंक यू सो मच। मुझे लाइफ में जो कुछ भी चाहिए था ना, आज तुमने सब कुछ वापस ला दिया। थैंक यू सो मच। और आज ये सब कुछ ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया। तान्या मुझे ना एक बात करनी है। डिसीजन तुम्हारा कुछ भी होगा मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, और मैं इस चीज के लिए तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। क्या बोलना है बोलो। शादी करेगी मुझसे? देख मैं सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, और मैंने अपने मम्मी पापा से भी बात करी तेरे बारे में, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है देर से। पर वरुण। देख तान्या, आई रियली लव यू। मैं जानता हूँ तूने बहुत कुछ देखा है, बट जिस दिन से तू गुजरी है ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वो दिन वापस नहीं आने दूंगा। वरुण मैं अभी कुछ भी नहीं बोल सकती। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो अपने मम्मी भाई से मिलो। और वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, मैंने तुम्हारी मम्मी और भाई से जब अपनी फीलिंग्स के बारे में बात की तो उन्हें कोई भी एतराज नहीं था। देखो वरुण तुम बहुत अच्छे हो, आई नो, पर मैंने अपनी लाइफ में इतना सब कुछ देख लिया कि मैं अभी किसी भी चीज के लिए रेडी नहीं हूँ। आई एम रियली सॉरी, मुझे बस थोड़ा टाइम दो। कोई बात नहीं, तुझे जितना टाइम चाहिए तू ले ले, और अपना ध्यान रखना। वरुण। हाँ। सच में शादी करेगा मुझसे? मैं मजाक नहीं कर रहा।
सब कुछ एक्सेप्ट कर लेगा? हाँ। सोच ले। मैंने सोच समझ के बयान नहीं किया जो मुझे सोचना पड़े। मेरा दर्पण अखियां तेरी, तुझको तरसे रतियां मेरी, जीना मुझको रास आने लगा, जब से चहकी बतियां तेरी। रसिया ये तेरा हुआ, तूने जिया मोह लिया। रसिया हाय गाइस, गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और गाइस लूप बैट का लिंक हमने कमेंट में पिन कर रखा है, तो वहां जाओ, मेरा प्रोमो कोड यूज करो वरुण, और आपको मिलेंगे 50 फ्री स्पिन। ओके गाइस, और हाँ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। लव यू।